आज का आपका टॉपिक है पॉइजनस एपरेटस एंड बीटिंग मैकेनिज्म। पॉइजन एपरेटस आर फाउंड इन ऑल पॉइजनस स्नेक। जो पॉइजन एपरेटस होते हैं वो क्या होते हैं? सभी पॉइजनस स्नेक में पाए जाएंगे। द पॉइजनस एपरेटस आर फाउंड इन द हेड ऑफ पॉइजनस स्नेक विच इज एबसेंट इन नॉन पॉइजनस स्नेक। जो पॉइजनस एपरेटस होता है वह पॉइजनस स्नेक के हेड में पाया जाता है, जबकि जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उसमें पॉइजनस एपरेटस एबसेंट होता है। द पॉइजनस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, जो पॉइजनस एपरेटस होते हैं वो बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड पाए जाएंगी एक जोड़ी। पॉइजन डक्ट, फैंग्स या उसी को टीथ कहते हैं जिसमें विष होता है, और मसल्स पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पॉइजन ग्लैंड, द टू सैक लाइक ग्लैंड आर लोकेटेड वन ऑन आइदर इनर साइड ऑफ अपर जा बिलो द आई। दो जो है थैली की तरह ग्रंथियां पाई जाती हैं जो स्थित होती हैं इनर साइड अंदर की तरफ, और कहाँ पे? ऊपर वाले जबड़े पे बिलो द आई, आँख के नीचे। द पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक आर प्रोबेबली मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। जो पॉइजन ग्लैंड होता है स्नेक का वह क्या होता है? मॉडिफाइड होता है पैरोटिड ग्लैंड की तरह, और सुपीरियर लेबियल या सुपीरियर लेबियल की तरह। दिस ग्लैंड मे बी स्मॉल एंड ओवल और लार्ज ट्यूबुलर। और ये ग्रंथियां जो है छोटी हो सकती हैं और अंडाकार हो सकती, बड़ी होती है या नलिका युक्त हो सकती हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन द स्पीसीज ऑफ पॉइजनस स्नेक। वह स्नेक की प्रजाति पर निर्भर करती है कि वह कितना जहरीला है, उसी के अनुसार पॉइजन ग्लैंड पाई जाएगी। पॉइजन डक्ट, ए नैरो पॉइजन डक्ट ओपन एंटीरियरली फ्रॉम द ईच पॉइजन ग्लैंड, इट ओपन इनटू फैंग्स ऑफ स्नेक। एक सक्रिय पॉइजन डक्ट खुलती है अंदर की तरफ फ्रॉम द ईच पॉइजन ग्लैंड। प्रत्येक पॉइजन ग्लैंड से एक सक्रिय पॉइजन डक्ट खुलती है अंदर की तरफ से, और यह खुलती है कहाँ? फैंग्स ऑफ स्नेक। इट ओपन टू इन द फैंग्स ऑफ स्नेक। यहाँ कहाँ खुलती है? जो स्नेक के फन होते हैं, सांप के फन होते हैं, उसमें खुलती है। फिर हम देखते हैं फैंग्स क्या होते हैं। जो उनके फन होते हैं वे कुछ टाइप के हो सकते हैं, देख लेते हैं। फैंग्स आर सर्टेनली स्पेशलाइज्ड टीथ अटैच्ड टू द मैक्सिलरी बोन। जो फैंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशली टीथ होती हैं जो जुड़े होते हैं मैक्सिलरी बोन पे। दे आर लॉन्ग कर्व्ड शार्प एंड पॉइंटेड। जो लंबे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, नुकीले होते हैं और पॉइंटेड, मतलब शार्प भी होते हैं और नुकीले भी होते हैं। दे एक्ट एज ए हाइपोडर्मिक नील फॉर इंजेक्टिंग पॉइजन टू द बॉडी ऑफ विक्टिम। ये व्यवहार करते हैं हाइपोडर्मिक नीडल की तरह, और जिसके द्वारा विक्टिम के शरीर में पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं। When a functional fangs is lost or damaged, then it is replaced by one of the reserve fangs. अगर इनका जो कार्य करने वाला दांत है, फन है, वह किसी तरह से डैमेज हो जाए तो उसको ये हटा देते हैं, और उसके स्थान पर जो रिजर्व फैंग्स होता है, दूसरा दांत होता है, वो आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थ्री टाइप ऑफ फैंग्स आर फाउंड इन पॉइजनस स्नेक। संरचना और कार्य के आधार पर तीन प्रकार के फन पाए जाते हैं जहरीले सांप में। फर्स्ट है सोलेनोग्लाइफस, सेकेंड है प्रोटीरोग्लाइफस, थर्ड है ओपिस्थोग्लाइफस। इनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग संरचना होती है, उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। मसल की बात करें,
कुछ स्पेशल प्रकार की मसल जो है पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जबड़े को खोलने और बंद करने में सहायता करती हैं और दांत को भी, क्योंकि जबड़े में क्या होंगे, दांत होंगे, तो इसी मसल्स की सहायता से जबड़ा बंद होगा और खुलेगा। ये तो था आपका लिखने वाला पॉइंट कि रिटर्न मटेरियल कि आप उसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, कि मसल्स क्या होती हैं और सब चीज़ें, कैसे उनके फन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम उनकी बीटिंग मैकेनिज्म देखेंगे कि वे कैसे कार्य करते हैं, उनका जबड़ा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। ये देखिए, माउथ क्लोज एट रेस्ट, जब आराम करते हैं तो उनके मुंह क्या होते हैं, बंद रहते हैं। तो यह क्वाट्रेट, कॉलोमेला, पैराइटल, प्री मैगजिला, मैगजिला, यहाँ फैन है, ये एसेसरी फैंस है, और ये मैंडिबल है। ये क्या है, दांत अंदर की तरफ है जब ये मुंह बंद किए हुए हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, माउथ ओपन है जब, देखिए यहाँ पे डायगेस्टिक प्लस मसल्स हैं, ये चीज़ें पूरा, तो ये मसल्स यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये फैल गई, और यहाँ पे जो फन था क्या हुआ, दांत जो है बाहर की तरफ आ गया, जबकि पहले वाले फिगर में क्या था, दांत ये अंदर था और इसमें ये बाहर खुल गया और आपको ये मसल्स दिख रही हैं। द स्कल एंड जा बोन ऑफ पॉइजनस स्नेक आर वेरी फ्लैक्सीबल, जो खोपड़ी होती है और जबड़े की ग्रंथियां होती हैं जहरीले सांप में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल होती हैं। दे आर लूजली और मूवेबली आर्टिकुला, इट मीन्स दे आर एडजस्टेबल इन कोबरा, द फैंग्स आर परमानेंटली इरेक्ट बट इन वाइपर द लार्ज फैंग्स लाई अगेन द रूफ ऑफ माउथ। जो आर्टिकुला होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है, गतिशील होता है, इसका मतलब ये क्या होते हैं, जो आर्टिकुला होता है वो कोबरा में एडजस्टेबल होता है, इसी वजह से जो कोबरा के फैंग्स होते हैं, फैन, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से सीधे होते हैं, जिसे हम दांत कह सकते हैं, दांत क्या होते हैं, पूरी तरह सीधे होंगे। लेकिन वाइपर की में बात करें तो इनमें लार्ज फैंग्स होता है, दांत बड़ा होता है, और क्या होता है, जो माउथ होता है वो उसी की छत में मुड़ा हुआ होता है। When it close, जब वह बंद रखते हैं मुंह। Therefore, beating mechanism are two. पर फर्स्ट है इरेक्शन ऑफ फैंग्स, सेकंड है इंजेक्शन ऑफ पॉइजन वेनम इनटू द विक्टिम बॉडी। दो उद्देश्य होते हैं, पहला है कि जो इनका फैन होता है उनको सीधा करना, फन को सीधा करना, दूसरा होता है जो विक्टिम होता है वो उसके शरीर में पॉइजन को इंजेक्ट करना। व्हेन ए वाइपर वांट टू बाइट देन ए सीरीज ऑफ मूवमेंट अकर इन चेन, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव मसल कॉन्ट्रैक्ट, देन कॉलोमेला, स्क्वैमोगल, पैराइटल, फ्रंटल, प्रीमैगजिला एंड मैगजिला आर स्ट्रेच्ड बाय व्हिच द फैंग्स ऑफ मैगजिला इरेक्ट देयर फोर इरेक्ट बिफोर इरेक्शन पॉइजन कैन लीव द पॉइजन इनटू द फैन थ्रू ए पॉइजन डक्ट। जब वाइपर आपको काटना चाहेगा, किसी को काटना चाहेगा, तो कुछ मूवमेंट होती हैं उसके बॉडी में, तो सबसे पहले डाइजेस्टिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचनशील होगी, और फिर कॉलोमेला भी फैलेगा, फिर ये सब जितने भी प्रीमैगजिली जितनी भी बोन हो क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी, वो क्या करेंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, फैल जाएंगी, जिसके द्वारा जो फैंग होंगे मैगजिला में क्या होंगे, जो फन होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। जैसे ही वह सीधा होगा तो पॉइजन ग्लैंड जो होती हैं वह डक्ट के द्वारा उससे
फन में क्या करेंगी, पॉइजन इरेक्ट मतलब पॉइजन को डाल देंगी पॉइजन डक्ट के द्वारा। जैसे ही फन सीधा होगा मैगजिला क्या होंगी, इरेक्ट हो जाएंगी। जो मैगजिला में फन होंगे वह सीधे होंगे, जिसके द्वारा पॉइजन ग्रंथियां जो है जहर छोड़ देंगी कहाँ पे, पॉइजन डक्ट के द्वारा फैंग्स में। इन दिस मैकेनिज्म टेम्पोरल मसल एक्सपेंस, इसके द्वारा टेम्पोरल मसल क्या होता है, एक्सपेंड होता है एंड वाइपर सक्सेस इन बीटिंग, और वाइपर क्या हो जाता है, काटने में सक्सेस हो जाता है। आफ्टर बीटिंग मैकेनिज्म दिस प्रोसेस रिवर्स, और बीटिंग मैकेनिज्म के बाद काट लेगा जब, फिर वह नॉर्मल वही प्रक्रियाएं जो हमने बताई वह क्या होंगी, पुनः वापस होती हैं।